सीजीआई चंद्रचूड की 10 ऐतिहासिक जजमेंट्स जो इतिहास में चीफ जस्टिस को कर देगा अमर। अपने पिता के गलत फैसले को भी नहीं छोड़ा। सीजीआई बनने से पहले भी चंद्रचूड़ करते थे ऐसे ही काम। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अन्य 33 जजों में रह चुके हैं शामिल। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते वक्त खुद के पिता का भी पलट दिया था फैसला। सीजीआई चंद्रचूड़ के पिता भी देश की 16वें थे सीजीआई। साल 2020 में चंद्रचूड़ बने 50वें सीजीआई। सीजीआई के रूप में शपथ लेने के बाद से ही डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका में खत्म हो रहे लोगों के विश्वास को जगा दिया। अब लोग न्यायपालिका में पहले से ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। सीजीआई बनने से पहले जब चंद्रचूड़ हाईकोर्ट में जज हुआ करते थे उस वक्त भी उन्होंने कई अहम फैसले सुनाए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होने के दौरान उन्होंने जितने फैसले सुनाए उन फैसलों को आज भी याद किया जाता है। सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसलों को लैंडमार्क जजमेंट के रूप में देखा जाता है। आज हम उन्हीं लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर बात करेंगे। पहला, निजता का अधिकार। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में नौजियों की संविधान पीठ का हिस्सा थे। 24 अगस्त 2017 को दिए इस फैसले में निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने लीड ओपिनियन लिखा था। पीठ ने कहा था, निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 और संपूर्ण भाग 3 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है। दूसरा, समलैंगिक संबंधों को कानून मान्यता दी। सितंबर 2018 में तत्कालीन सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसलों में आईपीसी की धारा 370 की कानूनी वैधता को खत्म कर आपसी सहमति से दो समलैंगिकों के बीच बनाए गए संबंध को आपराधिक कृत्य से बाहर कर दिया। चंद्रचूड़ इस पीठ का हिस्सा थे। इस मामले में अपनी सहमति वाला अलग से फैसला लिखते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, यह प्राचीन और औपनिवेशिक युग का कानून यौन अल्पसंख्यकों को छिपकर डर में और दूसरे दर्जों के नागरिकों के रूप में रहने के लिए मजबूर करता है। तीसरा फैसला, सबरीमाला केस। जस्टिस चंद्रचूड़ 28 सितंबर 2018 को सबरीमाला केस में फैसले देने वाले 5 जजों की पीठ का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को उनके महावारी के दौरान प्रवेश करने से रोकने की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। चौथा, हादिया मैरिज लव जिहाद मामला। साल 2018 के लव जिहाद के इस कथित मामले में जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ शामिल थे। पीठ ने निचली अदालत के दिसंबर 2016 के उस फैसले को पलट दिया जिसने 25 वर्षीय अखिला अशोकन और सफीन जहां की शादी को अवैध करार दिया था। पांचवा फैसला, वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक करार दिया। सितंबर 2022 में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पत्नियों के साथ पति द्वारा यौन हिंसा या बलात्कार को आपराधिक करार दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, बलात्कार का अर्थ वैवाहिक बलात्कार सहित समझा जाना चाहिए। छठा फैसला, सेना में महिलाओं की नियुक्ति। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सेना में महिलाओं की नियुक्ति को लेकर कहा, जिस प्रक्रिया से महिला अधिकारियों का मूल्यांकन किया गया वह पिछले साल शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए फैसलों से उठाए गए लैंगिक भेदभाव की चिंता का समाधान नहीं करती है। सातवां फैसला, आधार को मनी बिल के रूप में पास कराने को असंवैधानिक करार दिया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ का हिस्सा होते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने आधार लाभ सेवाओं लक्षित वितरण अधिनियम 2016 को की संविधान वैधता पर फैसला दिया। भीमा कोरेगांव मामला। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए 5 एक्टिविस्टों के अधिकारों को बरकरार रखने के लिए उन्होंने पीठ की बाकी 2 सदस्यों को तत्कालीन सीजीआई दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर ने अलग रह रखे थे। नवा फैसला, सीजीआई का ऑफिस आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण। नवंबर 2019 में एक संवैधानिक पीठ के साथ असहमति व्यक्त करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने माना था, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और जनहित में मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। बेल अधिकार जेल अपवाद। रिपब्लिक टीवी के एडिटर चीफ अर्नब गोस्वामी की महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तारी मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बेल को अधिकार और जेल को अपवाद करार दिया था। अर्नब को दोहरे आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था।